बैठो। आप भी लीजिए ना। जब हम हनीमून के लिए गए थे तो मैंने तुम्हारे साथ ठीक से डांस नहीं किया था, तो क्या आज मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? फिर ये मत कहना कि मैं कितना बुरा डांसर हूँ। सो मे आई? ये सब किस खुशी में? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर पुप्पी। हैप्पी न्यू। आई विश मिस्टर खान भी यहां होते हमारे साथ। एंड आई विश कि राशिद जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हैदर जी, क्या हुआ? पता नहीं, रस्सी नहीं खींच रही। मुझे लगा ही था आपका ये प्लान ना फ्लॉप होने वाला है। तो क्या हुआ? बंदे के पास प्लान बी भी है। सोचना भी मत। हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज हैदर। हैप्पी न्यू ईयर। हैदर। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। क्या करूं? नया साल बहुत बहुत मुबारक हो रजिया भी। आपको भी। वैसे ये लड़की तो यहाँ से निकाह तोड़ के चली गई थी, वही है ना? वो यहाँ क्या कर रही है और कैसे वाहियात कपड़े पहने हैं इसने? और उसके साथ जो औरत है वो तो राशिद मियाँ की पहली बीवी दिलशाद है ना? वो यहाँ कैसे? तभी तो मैं कहूँ कि शीरिन क्यों नहीं दिख रही है, लेकिन वो बेचारी किस मुंह से यहाँ आती है ना? बहुत लंबी कहानी है, कभी बाद में आपसे बात करूंगी।
नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो सिद्दीकी साहब। तुम्हें भी। वैसे तुम्हारे और असद के यहाँ आने के बाद कुछ भी मुबारक नहीं रह गया है। देखिए आप मेरे बड़े हैं और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मेरा यहाँ आने का मकसद आपको तकलीफ देना नहीं है। पर तकलीफ तो दे ही रही हो ना तुम, आज से ही नहीं अरसे से हमें और हमारे घर वालों को परेशान कर दिया है तुमने। और किसके लिए? गुजरे हुए कल के लिए। क्या जानती हो तुम हमारे बारे में या हमारे गुजरे हुए कल के बारे में? जिस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, जिस बात का तुमसे कोई रिश्ता तक नहीं है, उसमें क्यों दिलचस्पी ले रही हो तुम? ये बाजी हम जीते या हारे हम तो खेल रहे हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ दांव पे लगा है। लेकिन तुम क्यों खेल रही हो? तुम्हारा क्या दांव पे लगा है? मेरा नहीं, लेकिन मिस्टर खान का सब कुछ दांव पर लगा है। और मैं और मिस्टर खान अलग नहीं। तुम्हें लोगों की जिंदगी का फैसला करने का हक किसने दिया? तुम्हें लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का हक किसने दिया? तुम एक बेपरवाह और बिगड़ी हुई लड़की हो, जिसे जाने कैसी तरबियत मिली है। माफ कीजिएगा सिद्दीकी साहब, जिस तरह मैं आपके और आपके गुजरे हुए कल के बारे में कुछ नहीं जानती, उसी तरह आप मेरे और मेरे गुजरे हुए कल के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या है तुम्हारा गुजरा हुआ कल और ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम असद के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? जी अब सुनिए, सिद्दीकी साहब, मैं मिस्टर खान की लड़ाई लड़ने आई हूं, क्योंकि मेरी अपनी तो कोई फैमिली नहीं है। मैं तो यहाँ अपने अब्बू की तलाश में आई थी, जो कि अब तक जारी है। लेकिन अब्बू की तलाश करते करते मुझे मिस्टर खान और फूफी मिले, जिन्होंने मुझे अपनों से भी बढ़कर प्यार दिया है। और अब मैं अपनी इस फैमिली को हारने नहीं दूंगी। फरहान, इससे बेहतर नए साल की शुरुआत मेरे साथ नहीं हो सकती थी। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट स्पेशल। वेलकम। निखत, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? कुछ नहीं। क्या हुआ निखत? कुछ नहीं, अब मैं बस अभी आती हूँ। निखत, देखा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ पर, हाँ मैं तो ये शॉल लेने आई थी बस। अब
फरहान चलिए ना, डिनर करते हैं, आइए। आपकी तस्वीर दिखाते हुए कह रही थी कि वो अपने अब्बू को ढूंढने के लिए आई है। हम आपकी बेटी को जानते हैं, वही बेटी जिसे आपने वर्षों पहले छोड़ दिया था, हम जानते हैं कि वो कौन है। दो लोग एक ही बात बोल रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई हो सकती है? हो ना हो, ये उस फ्रेम वाले की बात पर ही गौर कर रहे हैं। इनके जहन में ये बात बैठ गई है कि शायद इनकी वो बेटी न सिर्फ जिंदा है बल्कि इसी शहर में है। पानी सर से ऊपर चला गया है, अगर अभी कुछ ना किया तो डूबना तो तय है। जोया का यहां एक और दिन भी रुकना ठीक नहीं, और मुझे पता है मुझे क्या करना है। चले अब, पर हम तो सुबह जाने वाले थे ना। जी हाँ, लेकिन जल्दी पहुंचने के लिए हमें रात को ही निकलना होगा। क्या है ना, कल सुबह बहुत ट्रैफिक मिल सकता है हमें, इसीलिए। पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने अब्बू को ना कह दिया है, डोंट वरी। लेकिन इस वक्त वो प्लीज चलिए ना, देखिए तो बाहर कितना अच्छा मौसम है। हम ना गाड़ी रुका के ना एक ढाबे पे मस्त गरम चाय पियेंगे और ना तारों को देखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपको तारों को देख के कैसे लगता है? या अल्लाह, आपको तारे खूबसूरत नहीं लगते हैं? नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता? ये शरारती तारे हमें देख के स्माइल करते रहते हैं। ओफो, मैं भी ना, अब जल्दी से रेडी हो जाइए, हम जल्दी निकलते हैं, फाइन? हैदर साहब, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, ये देखो। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। या अल्लाह, पाजी अब मां बनने वाली है। पाजी मुबारक हो। थैंक यू निखत। वैसे ये इनिशियल टेस्ट है, जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं आता ना कुछ पक्का नहीं है। बाजी इंशाल्लाह वो टेस्ट भी पॉजिटिव होगा। इंशाल्लाह बाजी, कितनी खुश हूँ आपके लिए, बाजी अब मां बनने वाली है। थैंक यू निखत, पहले कॉन्फर्मेशन तो होने दो। वैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे बहुत सपोर्ट और हेल्प की जरूरत होगी। बाजी मैं हूँ ना, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब देखना, हम दोनों इतने बिजी हो जाएंगे कि तुम्हारे सारे टेंशन, सारे डर, सारे वहम दूर हो जाएंगे। और वैसे फरहान भाईजान भी तुम्हारी ओर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं बाजी, कभी कभी उम्मीद की किरण जागते हुए नजर तो आती है पर दूसरे ही पल गायब भी हो जाती है। बैठो। खुशी की बात तो ये है कि कम से कम उम्मीद की रोशनी तो जागी। और वैसे भी जिंदगी में कभी भी प्यार बताकर नहीं आता, पहले दो लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, पसंद करते हैं और प्यार हो जाता है। और वैसे भी तुम्हारा और फरहान भाईजान का तो निकाह हो चुका है, वो चाहकर भी ना तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएंगे, देखना तुम। अब बस
किसी भी तरह के वहम को अपने दिल में जगह मत देना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बाजी। बाजी, अब मैं पहले से बेहतर हूँ। कल मुझे लगा था कि शायद मैंने कोई घुंघरू की आवाज सुनी, और जब बाहर जाके देखा तो हवा से पर्दे टकरा रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया, ये सपना मेरा वहम है और कुछ भी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था। निखत फरहान भाईजान के वॉलेट में लड़की की फोटो। जी आप आ जाएं। हाँ हाँ, वो यहीं पर है। अल्लाह, उफ, अरे सुनने की, देखने की, समझने की कुव्वत तो खत्म हो गई है, लेकिन जिंदा है अभी तक। जब ठीक से दिखता नहीं है तो इस तरह से दौड़ लगाने की क्या जरूरत है। कपड़े खराब कर दिए सारे। बिना देखे तू चल रही थी, कमबख्त हमारी चाय भी गिरा दी। अच्छा, चाय गिरा दी? चाय पीने का इतना ही शौक है तो जाकर बना लो ना। और गलती आपने की, बिना देखे आप चल रही थी मुमानी, और माफी मांगना तो दूर, इस तरह से बात कर रही हैं आप। अगर आपने माफी मांग ली होती तो मैं कुछ नहीं कहती। चाय आपने गिराई, अब आप ही बना के देंगे। माशाल्लाह, चींटी के भी पर निकल आए अब तो। ए लड़की, औकात मेरे, वरना। क्या वरना बताइए, क्या वरना, क्या कर क्या सकती हैं आप? तो तुम ये जानना चाहती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ? पीछे पलट कर देखो। तुम्हारे और फरहान भाईजान के बीच की टेंशन की वजह ये तो नहीं है? वो बाजी, या अल्लाह, निखत इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे ये बात छुपा कर रखी। फरहान भाईजान की जिंदगी में दूसरी औरत है, अब तुमने मुझे बताया तक नहीं। बाजी मेरी बात तो सुनिए, आप गलत समझ रही हैं। इसमें गलत समझने की क्या बात है निखत? फरहान भाईजान गलत कर रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाना तुम्हारा हक है। वो तुम्हारे शौहर है निखत, और अगर तुम्हारी तरफ वो अपना फर्ज भूलकर किसी गैर औरत के साथ ताल्लुकात रख रहे हैं तो ये गुनाह है। अल्लाह ना करे, अगर असद भाईजान को इसके बारे में पता चल गया ना, फरहान भाईजान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो ऐसी घटिया हरकत कर भी कैसे सकते हैं? बाजी खामोश हो जाइए, खुदा के लिए चुप हो जाइए। आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर फरहान की पहली बीवी की है। क्या? बाजी, फरहान की पहली बीवी समीरा। यही है वो लड़की, गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। क्या मैं जान सकती हूं कि कौन से जुर्म में आप इसे गिरफ्तार करने आए हैं? इनके खिलाफ 420 और धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखवाई गई है। झूठ के पांव नहीं होते हैं दिलशाद,
वो एक न एक दिन पकड़ा जाता है। इस लड़की का भी झूठ पकड़ा गया। जाली दस्तावेज के दम पर ये हमें हमारे घर से बेदखल करने चली थी। मिस जोया फारूकी, क्या ये बात सही है कि आपने मिस्टर सिद्दीकी के घर और बिजनेस पर मिस्टर असद अहमद खान के मालिकाना हक होने के सबूत के तौर पर ये पेपर दिए थे? उन्हें कम से कम 2 दिन लगेंगे उन पेपर्स पर लीगल ओपिनियन लेने के लिए। तब तक आप असली पेपर ढूंढ लो, और जब उन्हें यह पता चलेगा कि वो पेपर्स नकली थे तब आप उन्हें असली पेपर्स दिखा देना। अब क्या हुआ? वैसे तो गज भर लंबी जुबान सारा दिन चलती रहती है, अब क्या हो गया? दिए थे कि नहीं जाली दस्तावेज? इन हालात में हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा मिस फारूकी। हथकड़ी लगाओ इन्हें। अरे आप